अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2021 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्रिक कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आज आने का मकसद सिर्फ यही है कि आज सुबह से कराची में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और सुबह से तकरीबन हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैंने और रेल लवर्स पीके के सैफुर रहमान ने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी बहुत रेल फैनिंग कर लेते हैं ड्रिक कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आज कराची से चलने वाली सारी ही ट्रेन लेट हैं और इसकी वजह यह है कि कल रात में यानी कि 2 सितंबर 2021 की रात में मोंडोडेरो रेलवे स्टेशन के करीब एक फ्रेट ट्रेन की डिरेलमेंट हो गई थी, जिस वजह से सारी ही ट्रेन लेट हो चुकी हैं। और दूसरा, कराची में आज बारिश भी हो गई है जो कि कराची से निकलने वाली ट्रेन के लेट होने का बाइस बनी है। तो कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब से कुछ ही देर में कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस यहां पर पहुंचने वाली है। तो दोस्तों ये आ रही है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि आज अपने एक्चुअल टाइम से काफी लेट चल रही है और इसकी वजह मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताई थी। तो दोस्तों ये चैनल सिर्फ रेल फैनिंग के लिए है, इस चैनल पर व्लॉग्स वगैरह नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग रेल फैन हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर रेल फैन नहीं है तो आप लोग इस चैनल से दूर रह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ रेल फैनिंग करेंगे और ट्रेन के थोड़े बहुत क्लिप्स देखेंगे। तो अब ये बच्चे बारिश का मौसम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बॉल के साथ खेल कर इंजॉय कर रहे हैं इस औसम मौसम को। तो ये आ रही है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली, और इसे यहाँ से PLC दी जा रही है। इस वक्त बारिश तेज हो चुकी है, बूंदाबांदी ही है लेकिन वो भी तेज हो चुकी है। लगातार 4 CNR लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन 2.5 घंटे लेट गई है आज 41 अप कराकरम एक्सप्रेस कराची से।